नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं आप एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज ये जो क्लास रिकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मिस्टर अनीस मेरे साथ ज्वाइन है और हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस के ऊपर। तो मैं अनीस जी को अपना स्क्रीन देता हूँ, जूम ऐप के जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो अनिल जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैंने आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, नहीं आपने शायद आई थिंक सिस्टम से ज्वाइन नहीं किया है। चलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस, और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम एक प्रोजेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में हम बात कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ताकि ऑफिस का जो काम है वो अपने हिसाब से मेंटेन हो सके। तो चलिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं। इस ब्लैंक डेटाबेस का नाम मैं डाल देता हूँ बिलिंग। तो हम अगले 2-3 क्लास हम इसी पे करेंगे, जिससे हमारी पूरी जो भी अभी तक जो सीखे हैं उस पर पूरी हमारा ये हो जाए, मतलब कि सेट हो जाए और हर एक चीज को हम रिवाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा सेल्स परचेज, सेल्स परचेज एंड स्टॉक, 3 चीजें देखती हैं, सेल्स परचेज और हमारा स्टॉक। तो स्टॉक हमारा क्यूरी होगा, क्योंकि हमने कितना सेल किया और कितना परचेज किया, इन दोनों के बीच में जो माइनस हुआ वो हमारा परचेज होगा, वो हमारा स्टॉक होगा। तो हम सबसे पहले सेल्स का कॉलम बनाते हैं, राइट सर? यहां पर लिखते हैं एस डेटा एंड ओके। ये हमारा आईडी हो गया, ये आईडी मतलब कि हम यहां पे देते हैं सेल्स आईडी। ये हर एक सेल्स का एक ट्रांजेक्शन होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उसके बाद यहां पे कस्टमर, यहाँ पे डेट आएगा किस डेट को सेल, यहाँ पे हमने सेल्स डेट करते हैं, क्योंकि डेट हमारा ये रिजर्व है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना डेट। फिर इसके बाद हमारा डेट हो गया, तो हमारा कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम क्या होगा, ये हमारा टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट, एड्रेस, सिटी, पिन नंबर, ये हमारा कस्टमर डिटेल हो गया। पिन नंबर हमारा नंबर है, नंबर नंबर है, नंबर भी, हाँ नंबर है हमारा है। और इसमें हम वैलिडेशन लगाते हैं कि इसका लेंथ 6 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ हमारा कैप्शंस वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन रूल्स पे हम देते हैं कि लेन, और लेन में हम दे दिए पिन, पी आई बड़ी ब्रैकेट में देना होगा, पी आई एन पिन। और हमने बोला कि इक्वल टू 6 होना चाहिए। और इसके टेक्स्ट में क्या मैसेज हो कि प्लीज एंटर पिन नंबर इन 6। और उसके बाद अब यहां पे भी है कि हम सेल्स करते हैं, तो जो हम वाउचर्स बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा, आप देखते होंगे जब परचेज करते हैं तो आपको हमेशा आपका नाम नहीं होता है, क्या सर? हमारा नाम नहीं होता है, वो कैश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में हमें यहाँ दे देते हैं कैश, यानी कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? हेलो जी, म्यूट है, आप अनम्यूट पूछेंगे बोलेंगे सर? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट कैश आ जाएगा समझ।
हाँ, तो हमने यहाँ पे सिटी में मैनिफोल्ड कैश कर दिया, ताकि हमें जब नाम नंबर देने की जरूरत है तभी देंगे, अदरवाइज वो कैश ही रहे। ठीक ओके ठीक है, है। चलिए ये हमारे कस्टमर डिटेल्स आ गए। अब हम प्रोडक्ट डिटेल्स बोलते हैं, हम लिखते हैं आईडी। यहाँ पे हमने आईडी तो लिखा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट कॉलम से आना चाहिए, हमारे पास कुछ सिलेक्टेड लिस्टेड प्रोडक्ट है वो होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हम बना देते हैं। तो इसके राइट क्लिक करके हम डिजाइन मोड में जाते हैं और यहाँ पर हम देते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हम यहाँ पे पीआईडी, प्रोडक्ट की आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम कर देते हैं की नेम। और इसकी एमआरपी, एमआरपी हमारा नंबर था, और ये हमारा एक आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से पहले हम एक रो इंसर्ट करते हैं, इसमें हम डिस्काउंट देते हैं, DIS डिस्काउंट, ये हमारा नंबर होगा, लेकिन नंबर में हमारा परसेंटेज होगा, नॉन इंटीजर नहीं रखेंगे इसमें, डिस्काउंट में यहाँ पे हम रखेंगे। और इसका फॉर्मेट जो होगा परसेंट का होगा, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा हमारा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो इसमें हम नंबर के जगह पे कैलकुलेटर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एमआरपी, माइनस ब्रैकेट में एमआरपी बाई डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट तो परसेंटेज में है ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना सर? ठीक ये हमारा होगा, और भी की डिटेल्स होगी हम डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। बात करते हैं जो पुडा, यहाँ पे हम जो पीआईडी दे रहे हैं, हमारे इस प्रोडक्ट लिस्ट से आना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे लुकअप विजार्ड, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसी पीआईडी डाल दी जो कि प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो उस केस में दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट से लिया नेक्स्ट, और इसमें हमने पीआईडी नेम एमआर डिस्काउंट ये सब दे देता हूं, लेकिन पीआईडी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। असेंडिंग कर देते हैं पीआईडी के अकॉर्डिंग, पीआईडी हमारा आ गया। अब पीआईडी की बाकी डिटेल्स हमें इसकी एंट्री नहीं करना है, ठीक है सर? ठीक फिर यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी नंबर हो जाएगा बस, बाकी अमाउंट अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा जब हम क्यूरी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है।
दिक्कत है सर, देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस वगैरह तो दे दिया प्रोडक्ट में, लेकिन कल के डेट में प्रोडक्ट का रेट चेंज होता है तो पिछला पूरा पूरा डेटा चेंज हो जाएगा ना, बात को। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने आज के रेट में मान लीजिए कि हमारा एक डीवीडी जो है 500 रुपये की है, तो हमने 500 रुपये के हिसाब से सेल की, 15 दिन बाद डीवीडी का रेट घट के 500 की जगह पे 400 आ गया, तो क्या होगा कि अब इससे पहले जितनी भी सेल्स हुई है सबकी अमाउंट 400 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ भी होगा कि हम प्रोडक्ट वाले कॉलर में कोई ऐड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट अगर रेट चेंज होता है तो नया कोड के जरिए हम प्रोडक्ट डालेंगे। ठीक है, ठीक है। या फिर हम अमाउंट वगैरह इलेक्ट्रिशियन उसको बोल दो कि इन्वर्टर सेट करने आना। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका ध्यान रखिए। अब इसको क्लोज करते हैं, अब एक डेटा एंट्री करके देख लेते हैं सेल्स डेटा में। अब यहाँ पे हमारा रहा, जैसे आज का डेट है, कैश कैश में गया, पिन अब यहाँ पे पिन नंबर पे कर्सर रख दिए तो रखना लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे नंबर में या शायद मोबाइल नंबर इस वजह से दिक्कत कर रहा। लगा दिया मैंने नंबर पीआईडी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट पीआईडी में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं एक बार पीआईडी में भी एक ऐड करता हूँ। जाइए, हमने यहाँ पे डाल दिया एमआरपी, हमने डाल दी 2500, तो अपने आप हमने बोला 5% हमारा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट होकर रेट आ गया, आ गया ना सर। उसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए एक बार बंद क्लोज करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे जैसे देखेंगे दिख गया सर, तो यही में पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी हम 50 यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गई हमारी सेल्स का, बात करते हैं परचेज का, कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। यहाँ से टेबल क्रिएट कर, इसको मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ परचेज पी डेटा। तो अब यहाँ पे ये हमारा परचेज पी यू आई डी परचेज, उसके बाद डेट किस डेट को परचेज हुआ, हम यहाँ पे पी डेट दे देते हैं, यहाँ पे डेट हो जाएगा। उसके बाद आता है आईडी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमने परचेज किया, तो कैलकुलेटेड में नहीं लुकअप विजार्ड में जाना होगा हमें। तो एक बार कैलकुलेट विजार्ड सेलेक्ट हो गया है, इस कारण से दिक्कत है। अब दर्शो पीआईडी नेक्स्ट, और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेक्स्ट, और हम ये पूरा डाल देते हैं ताकि वहां पे मुझे पूरा दिखे। डायरी हो गया, अब करते हैं रेट वेट चेंज होगा तो वहां पे
टेबल में ऐड करेंगे। कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, रेट में इसमें डालने की जरूरत, अब जैसे अब यहाँ पे चीज आ गई, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट में आता हो, प्रोडक्ट में यहाँ पे आते हैं कि हमने यहाँ से डेट आज के डेट में और हमने पीआईडी इसको हमने मान लीजिए कि 500 क्वांटिटी ऐड की, राइट राइट। अब हमें ये भी देखना है कि सेल्स में अगर मान लीजिए डिलीवरी की क्वांटिटी 200 के जगह पे अगर मैं 600 करूं तो एसएफ ना करें, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज फिट करनी, तभी तो होगी ना सेल्स, मतलब स्टॉक में नहीं है तो आप कैसे क्वालिटी इतना सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हैं सर। अब इसके आपको हम टेबल में ऐड करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे वैलिडेशन समझे, तो वैलिडेशन रूल में यहाँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ बिल्ड पे आता हूँ, बिल्ड इन फंक्शन, इसमें देखता हूँ कुछ फॉर्मूले, हालांकि इसमें तो है फॉर्मूले लेकिन टेबल पे फॉर्म करते ही करते, इससे पहले मैंने किया नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं है, तो सर यहाँ पे सम नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ एसक्यूएल कमांड लगा सकते हैं लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जो सम करना है वो पूरे कॉलम को एक क्वांटिटी के एक इस पे प्रोडक्ट पे करना है ना, और इस टेबल में तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे ना सर, समझ गए। तो हम करेंगे और डेटा एंट्री करेंगे हम किसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू। जब हम फॉर्म डिजाइन करेंगे तो फॉर्म में इस चीज का हम जिक्र रखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है उतना ही है जितना हमें चाहिए, राइट सर। तो हम इसमें जो फॉर्म डिजाइन टेबल डिजाइन करना सीख लिया आपने, अब मान लीजिए कि हमें इसमें लिखना है अपना स्टॉक, तो क्यूरी के थ्रू ज्वाइन करेंगे लेकिन हमें एंट्री करनी है तो डिजाइन फॉर्म में आएंगे और अपनी फॉर्म को एंट्री हम यहीं से करेंगे, समझ गए।
यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट करता हूँ मैं कुछ सोच रहा था सर, एक टेबल और क्रिएट करता हूँ। क्योंकि एक कस्टमर के लिए कई सारे प्रोडक्ट होते हैं ना सर, यहाँ पे पीस सेल के नाम से। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी करते हैं, TID कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ अपना SID, सेल्स आईडी नंबर होगा। और यहाँ पे हमारा PID, और ये PID लुकअप होगा हमारा प्रोडक्ट से। इसमें हम कर देंगे उनका वारंटी। और यहाँ पे हम अमाउंट अभी ही बढ़ते फिलहाल, अगर ऐसा कुछ होगा तो अब यहाँ पे हमारा जो है आ गया स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फॉर्म डिजाइन में आता हूँ, और यहाँ हमारा एडजस्टिंग फील्ड है 100 टेबल्स। तो सबसे पहले मैं पी सेल्स में लेता हूँ, नहीं पी सेल्स नहीं, सेल्स पे, सेल्स सेल्स का सेल्स आईडी हम यहाँ पर रखेंगे। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। ठीक है, डेट हम इसको यहां रखते हैं, 21 डेट को हमारा सेल। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कस्टमर नेम, और इसको भी हम इसी सीक्वेंस में रखते हैं। दो है, एक को पकड़े खींचेगा तो एक जाएगा कैप्शन, दो चीजें एक कैप्शन है, एक अब आपका टेक्स्ट बॉक्स है, एड्रेस। सिटी एक से होल्ड कीजिएगा। अब इसको हम यहां से पिन नंबर लेते हैं। तो ये डिफॉल्ट हमारा एक कैश कैश पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा टाइम इसी में लगता है। ठीक है ना सर, फॉर्म को अपने ढंग से बनाना ताकि अट्रैक्टिव दिखे। और लास्ट हमारा है मोबाइल नंबर। हमने जो अपने इस कॉलम में पी क्वांटिटी वगैरह डाला है ना सर, ये हमें डालने की जरूरत नहीं। तो
ये चीज हम सेल से डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आपकी एंट्री होगी ना, बात समझ रहे हैं? हेलो, नहीं सुन लो। हेलो, ये डिलीट। हाँ सुनो, चलो एक मिनट, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने डिलीट रो कर दिया। अच्छा, रिलेशनशिप है। अब देखा, पीआईडी को बोला है कि रिलेशनशिप डिलीट नहीं होगा, तो हमें यहाँ डिजाइन पे जाना, इस पे रिलेशनशिप एक्सटर्नल डेटा पे जाना पड़ेगा, नहीं डेटाबेस टूल्स पे होता है रिलेशनशिप। और ये जो आपका सेल्स रिलेशन है, इस रिलेशन को हटा देता हूं। अब मैं इसकी इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। हमने क्या सोचा है इसमें कि जो हमारा सेल जितनी भी क्वांटिटी ऐड हुई है वो हमारा पी सेल में जाएगा। अब पी सेल्स के अंदर जो सेल्स की आईडी होगी, जैसे कि सेल्स आईडी जो इसमें सेल्स में होगा वो एक ही बार होगा। कस्टमर की डिटेल जो होगी बाकी सेल्स डेटा में होगी, और इस सेल्स आईडी के अगेंस्ट में पी सेल में उनके प्रोडक्ट की डिटेल होगी। समझ में आया? हाँ हेलो, जी, ऐसा हमें यहां से एक लाइन लेता हूं और यहां से लाइन पिक करता हूं, ये लाइन हो गया हमारा। सेपरेटर हो गए, अब नीचे हमारा जो होगा वो हम लेंगे अपना यहाँ पे आ गया। इस बॉक्स भी आपका ब्लैंक रेक्टेंगल इमेज, ये आपका सब फॉर्म। ओके, तो मैं इसमें पी सेल्स के ऊपर, जो पी सेल्स है उसके ऊपर एक नॉर्मल फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसके डेटाबेस टूल सब फॉर्म पे, और मैं सब फॉर्म लेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो डाले हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। यह आपका प्रोडक्ट सर, अब इसमें हमारा जो सेल्स आईडी है ना सर, सेल्स,
अब हम ये बोलते हैं कि सेल्स आईडी इक्वल टू सेल्स आईडी, जो यहां सेल्स ये चीज यहीं पे उठाएगा। तो इसकी जो डेटा सोर्स है हमारा, यहाँ दिख रहा है आपको ऐसा ही डेटा सोर्स कहाँ का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर ये जो टी आई डी दिख रहा है ना आपको, हाँ इसके ऊपर इवेंट लगाते हैं, ऑन इवेंट। इवेंट में बोलते हैं ऑन क्लिक, अच्छा ऑन एंटर हो गया आपको, ऑन एंटर दिख रहा है ना, हाँ वो ऑन एंटर में यहाँ देते हैं बिल्डर आते हैं, और यहाँ पर सिंपल सा बोलते हैं फंक्शन में, नहीं यहाँ पे फंक्शन नहीं पी से था उठाना है हमें। फॉर्म, हाँ फॉर्म से लेता हूँ, तो फॉर्म से हमारा एस आई डी दिख रहा है, एस आई डी। तो देना पड़ेगा आपका फॉर्म वन, लेकिन इसमें दूसरे दो सब फॉर्म वाले कार्ड नहीं ले रहा है, तो इससे नहीं हो पा रहा है। एस आई डी दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। और इसका जो नाम यहाँ पे एस आई डी किया हुआ है, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, तो मैं करना चाह रहा था क्या वो सही है। दिख रहा है आपको सर, आपको यहाँ पे दिखा एस आई डी वन है, यहाँ भी एस आई डी वन है। अब मैं यहाँ मान लीजिए न्यू कस्टमर न्यू कस्टमर एंट्री किया, और हमने यहाँ पे कर दिया डेट, कैश कैश है, बाकी आप देना चाहते हैं आप प्रोडक्ट। नंबर बोला है वो चेंज करना पड़ेगा, गणेशन को चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिए ये हमने चेंज नहीं किया, चेंज प्लेस नहीं करा है। यहाँ पे प्रोडक्ट डीवीडी क्वांटिटी 20 है, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, और यहाँ पे हम अपनी इसकी टोटलिंग देते जाएंगे कि आपकी टोटल क्या हो रहा है, हमने जो बिल जनरेट किया हुआ उसका टोटल अमाउंट हुआ तो कितना हुआ, और कौन कौन से इसके अंदर एरिया चेक करेंगे, टेबल डाल देंगे कि कौन कौन से हमारा अमाउंट कौन कौन से अमाउंट मतलब कितने प्रोडक्ट एंट्री हो चुके हैं, ठीक है ना सर। तो आप एक साथ दो फॉर्म में काम कर सकते हैं, दोनों फॉर्म आपस में लिंक होंगे। अभी इस ट्रांजेक्शन आईडी के भी आपको चेक करके दे देगा आपको यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे एडिट होगा इस एसआईडी के अगेंस्ट। इसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस